হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু কর্মসংস্থান অনলাইন। তো গতকাল থেকে একটা ক্যাম্পেইন চালু হয়েছে, সেটা হচ্ছে স্পিক আপ ফর এসএসসি রেলওয়ে স্টুডেন্টস। তো আপনাদের প্রত্যেককেই এই ক্যাম্পেইনটাতে অংশগ্রহণ করা উচিত, কারণ এটা আপনাদের নিজেদের জন্য এই ক্যাম্পেইন। তো জানেন বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কী অবস্থা, কী করুণ অবস্থা, এসএসসি রেলওয়ের কী করুণ অবস্থা, রেলওয়ের এক্সামের কোনো খবর নেই গত 2 বছর ধরে, এসএসসি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হচ্ছে না। এই করুণ পরিস্থিতিতে গোটা ইউটিউবের যে এডুকেটর কমিউনিটি রয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এই ক্যাম্পেইনটা চালাচ্ছে যাতে সরকারের কাছে এই বার্তা পৌঁছায়, যাতে খুব শিগগিরই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। তাই প্রত্যেক স্টুডেন্টকেই আমি নিজেও রিকোয়েস্ট করছি এই ক্যাম্পেইনটাতে অংশগ্রহণ করুন। টুইটার, ফেসবুক, যেখানে পারেন সেখানেই আপনারা এই হ্যাশট্যাগ ইউজ করুন, হ্যাশট্যাগ স্পিক আপ ফর এসএসসি রেলওয়ে স্টুডেন্টস। এই হ্যাশট্যাগ ইউজ করে পোস্ট করুন। হয়তো যারা এসএসসি রেলওয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না, হয়তো অন্য কোনো এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, হয়তো একদিন আপনাদের অবস্থা এই এরকম হতে পারে। তাই বলছি, প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করছি অবশ্যই এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করুন। এরপর আমি আপনাদের কিছু ক্লিপিংস দেখাচ্ছি, ওকে? তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। होगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। मोदी जी, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा हस्ती नहीं हूँ। मैंने यूपीएससी 2014 में क्लियर किया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और मैं एक एक्साइज ऑफिसर हूँ। चश्मे का नंबर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे रेलवे नहीं मिल पाया था। आज मैं आरआरबी जो लोग एग्जाम दे रहे थे उनके साथ खड़ा हूँ। एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट नहीं आया उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने फैसला किया था कि मैं टीचर बनूंगा, मैं हेल्प करूंगा लोगों को सेलेक्ट होने के लिए। हमने बहुत, मोदी जी, हमने बहुत जान लगाई है, हम सभी ने मिलकर के बहुत जान लगाई है, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत जान लगाई है। जाने कैसे दें। अब बात समझिए, देखिए, एसएससी का जो सीजीएल का रिजल्ट है डिक्लेयर नहीं हो रहा है, राइट? मैं बहुत पोलाइटली बात करता हूँ, मेरा बात करने का अंदाज ही है। मैं चाहूँ तो भी मैं बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आता जब तक एकदम अंदर से ना निकले। आज गुस्सा नहीं निकल रहा है, आज अंदर से ना मन भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बस एसएससी डिक्लेयर करते अपना सीजीएल का रिजल्ट, जो कि कब से पेंडिंग है। जो बच्चा 2016-17 से तैयारी करना स्टार्ट करता है, मेरा एक स्टूडेंट है अंकुर, 2016 से बेचारे ने सीजीएल की तैयारी अपना सपना देखा था, उसके बाद 2018 में फॉर्म फिलअप किया था, अभी तक के बेचारे का रिजल्ट नहीं आया टीयर 4 का। वो वेट कर रहा है कि जल्दी से टीयर 4 का रिजल्ट आए। ये चीज हो सकती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, और ये हो सकती थी। नीट का एग्जाम नहीं करवा रहे आप लोग, जेई का एग्जाम इस टाइम पे नहीं करवा रहे। अच्छा, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज का अपना जो है रिजल्ट प्रोवाइड करवा दिया। अच्छा, कुछ जो कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज बचे थे वो भी करवा दिए उन्होंने। अब यहाँ पे एसएससी वालों को, मेरे को लगता है एसएससी एक बहुत बड़ा स्कैम चलाता है। मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ, एसएससी को पूरी तरीके से रिफॉर्म करने की या हटाने की जरूरत है। कि अगर आपने 500 रुपए पर पर्सन लिए हैं आरआरबी का फॉर्म भरवाने के लिए, जिसमें से आपने कहा कि 400 रुपीज आप रिफंड कर देंगे, ठीक है, हम रिफंड कर देंगे 400 रुपीज, लेकिन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत क्या है बेरोजगार लोगों से? अच्छा, आप ये भी समझिए कि 2.3 करोड़ लोगों ने इसका फॉर्म भरा है, 500 रुपए पर पर्सन ने दिया, कितना हो जाता है ये? 1140 करोड़ बैठता है, ये बैठता है 1140 करोड़। एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? एक बहुत बड़ा एक झोल नहीं समझ में आ रहा है ये? যে ভিডিওটা দেখলেন এটা হচ্ছে সিভিল বিংস ইউটিউব চ্যানেলের। এরপরে আরও কিছু ভিডিও আপনাদের দেখাচ্ছি, ক্লিপিংস। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় ইউটিউবারই এই ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে। অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা প্রত্যেকেই এই ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করুন। इसके माँ बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? ये बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है? सुसाइड करने का मन करता है, बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप, इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो उनकी, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है, किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हाँ, एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर SCL, TCS, Accenture, इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि पता होना चाहिए। मैंने सीईटी में आपको बता दिया था कि सीईटी में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं, और सीईटी में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाल के भाव पता लग जाएंगे, जिस तरीके से एसएससी और रेलवे का बच्चा जूझ रहा है। तो जरा दम लगाओ, इतिहास पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ तो देख लो, किसी ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया था, किसी ने कहीं ना कुछ अपना जरूर छोड़ा था, तब जाकर आजादी मिली थी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मतलब हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई जिसको बोलते हैं। सरकार ऐसी बातें करने वाली कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अगर मैं बोलूं कि हम आपकी सरकार गिरा दें, तो डर नहीं लगता ना? नहीं लगता ना डर? मैं आज बताता हूं, जिसको आप ये समझ रहे हो ना कि ये युवा बिल्कुल पागल है, बेवकूफ बना लोगे, हर तरफ से फुद्दू काट रखा है इन बच्चों का, आपको मैं बता देता हूं इन बच्चों की ताकत क्या होती है। सरकार से ही बात कर रहा हूं, आप लोगों सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। जी हाँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को, कि आप लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार ये ट्रेंड कराने की कोशिश करी जाती है, लेकिन आप लोग ट्रेंड नहीं कराते हो। आप लोगों को बार बार बोलेंगे कि ये ट्रेंड कराओ, तो आप लोग क्या ट्रेंड कराते हो? आप लोग ट्रेंड कराओगे ये, आपको ये ट्रेंड कराने में आपको बड़ा मजा आता है, आपको ये ट्रेंड कराने में मजा आता है। ये आप देख रहे हो, विनोद,
सर्च करो तो यहाँ पर देखो 4 मिलियन व्यूज, यहाँ पर 13 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, क्योंकि बेवकूफ आप लोगों, सरकार नहीं है। आप लोग बेवकूफ हो, इसीलिए सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सुबह से लेकर शाम तक आपको भी ट्विटर कैंपेन की नहीं पड़ी हुई है, आपको भी आंदोलन की नहीं पड़ी हुई है। जब आप लोग सुबह शाम इस तरीके के वीडियोस में घुसे रहोगे तो वीडियो को ट्विटर ट्रेंडिंग तक पहुंचाया, आप लोगों ने उस वीडियो को ट्रेंड कराया। हाँ, उससे पहले वाला एक वीडियो था जब मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात कही है, और ये सैकॉट। तो मैं भी तो कहता हूं ना, सीधे सीधे करो ना, आज के बाद से कसम खा लो कि बायकॉट मीडिया। कौन सी मीडिया, कौन सी मीडिया आज की डेट में हमारे लिए काम करना चाहती है? कोई मीडिया एक लफ्ज नहीं बोलना चाहती, ना ही एसएससी के बारे में, ना ही रेलवे के बारे में। कोई मीडिया नहीं बोलना चाहती है, कोई भी नहीं बोलना चाहता, सिर्फ और सिर्फ वही एसएसआर केस, इंक्वायरी क्या हो रही है, अमिताभ बच्चन के बेड के नीचे कब कैथेटर लगाया गया, अमिताभ बच्चन ने सुबह कब खाना खाया, अमिताभ बच्चन कब पॉटी गए, अमिताभ बच्चन ने कब क्या किया, कब वो फ्रेश हो रहे हैं, कब उन्होंने इनहेलर लिया, अब क्या हो रहा है, तब क्या हो रहा है, बस इनके पास यही काम है। मतलब आप स्तर देख रहे हो, स्तर देख रहे हो मीडिया का, कितना चीप स्तर हो गया है। इनके पास न्यूज केवल बची हुई है तो लोगों के घर को, लोगों के घर पे कैमरा लगाने के लिए इनके पास न्यूज है। यूथ मरा जा रहा है बेचारा, यहां पर आपसे इतनी इतनी फीस वसूली जाती है, और वसूलने के बाद कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है फीस वसूलने के बाद भी। लेकिन जब खुद के इलेक्शन की बारी आती है तो 135 करोड़ की जनसंख्या का पूरा इलेक्शन ये कंडक्ट करा लेते हैं एक महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर। सीधा सीधा आंकड़ा है, 30 दिन के अंदर, यहां पर समझो, 30 दिन के अंदर 100 कि अब सीईटी लागू हो जाएगा। लेकिन सीईटी में होगा क्या, कुछ नहीं पता। अब सीईटी लागू हो जाएगा मतलब क्या, बेवकूफ बना रखा है, एक पेज का नोटिफिकेशन निकाल देना है, उसमें 4 लाइनें लिख देनी है, अब सीईटी लागू हो जाएगा। कब से लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या पैरामीटर होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी देर का एग्जाम होगा, कितने एग्जाम को लेंगे, क्या फीस होगी, कितने बार फीस लेंगे, कुछ नहीं बताना, सिर्फ सीईटी होगा, सीईटी होगा। बच्चा भी ऐसे ही लगा हुआ है, सीईटी होगा, कब होगा पता नहीं। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, मूर्ख बना के रखा है क्या, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। सुबह से शाम तक रैलियों में आप लोग दिन रात एक कर दिया करते थे, जब आपको चुनाव जीतने थे 2014 के 2019 के, और उसके बाद आज की डेट में घरों में आप लोग घुस जाते हो। देख लो, कोविड अगर चल भी रहा है तो कोविड के लिए भैया सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में, एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना उनका सब, श्वेता सिंह और ये फलाने भाई साहब, रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है, मैं सच बता रहा हूँ। ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूँ कि इस मीडिया को बायकॉट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी, आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया के बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है, मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा वाला कुछ है नहीं। अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो, मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं, मीडिया के साथ तो हमें ये करना है बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे, आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो टीआरपी है ना वो हमें बढ़ा दी, हमें मजा आता है उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया, मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है, मुझे वो काम भी करना है, ठीक है मैंने महीने में एक बार, आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा भैया तो गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया, अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया 1-1 रुपया, आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से, अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से। तो समय भारत में, आवाज आ रही मेरी, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई, 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा?
जो आपको फील होगा सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये क्रम लेके जीता है। आज हमारे देश का सारा मुद्दा है वो केवल तो प्लিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন, এবং যে ট্রেন্ডিং যে টপিকটি বললাম তো সেটা অবশ্যই হ্যাশট্যাগ সহকারে সেটা ট্রেন্ডিংয়ে টুইটারে পোস্ট করুন। তো সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি, তো আপনারা সেখান থেকে চাইলে ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ, অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর যারা এই চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করবেন, যাতে রেগুলার আমাদের যে ভিডিওগুলো আপলোড করা হয় সেগুলো যাতে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। ওকে, ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूँ हमारी गवर्नमेंट आने